मैंने बताया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, दैट मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तीन चीजें आपको याद रखनी है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट शाबाश, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ शाबाश क्या शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मैंने आपको यहाँ पे दिया ये एक्स सॉल्यूशन है, ये वाई सॉल्यूशन है, इसमें भी एक केजी सॉल्वेंट वाटर लिया, इसमें भी एक केजी सॉल्वेंट वाटर लिया। अब इसमें मैंने 30 ग्राम यूरिया डाला, इसमें मैंने 90 ग्राम ग्लूकोज डाला। तो अगर हम मास के हिसाब से जाएंगे तो मास के आधार पे, क्योंकि हमें ये नहीं बताया विच डिपेंड अपॉन द मास, हमें बताया गया अमाउंट, अमाउंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय मोल्स। जब हम 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं तो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल से। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि इस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स है। जब हम यहाँ पे एन यूरिया निकालेंगे तो वो कितना होता है, गिवन मास जोड़ बाय टोटल मास, 30 डिवाइड बाय 60, क्योंकि यूरिया का मोलर मास कितना है, तो वो आएगा 0.5 मोल्स। यहाँ पे आप कितने हैं, अगर आपने मास के आधार पे देखा तो फिर गलत हो जाता है, फिर आप बोलते यहाँ पे 90 ग्राम क्या है शाबाश, तो इसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है। मगर हमें मास से लेना देना नहीं है, हमें अमाउंट से लेना देना है, हमें मोल से लेना देना है, हमें नंबर से लेना देना है। तो यहाँ पे कितने मोल्स आ गए, 0.4। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर हमें मोल्स किसके देखने होंगे, ग्लूकोज के, तो वो कितना आएगा, एन ग्लूकोज कितना आएगा यहाँ पे, वो आएगा शाबाश 90 डिवाइड बाई 180, क्योंकि ग्लूकोज का जो मोलर मास है वो 180 है। तो जब यहाँ पे भी करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 0.5। तो जब हमने मोल्स कैलकुलेट किए, सॉल्वेंट भी सेम है, तो हमें पता चल गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी एक्स और वाई की, वो क्या होगी, इक्वल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्स सॉल्यूशन एंड वाई सॉल्यूशन इज इक्वल, वाई बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन बोथ द सॉल्यूशन इज इक्वल, एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। अब मैं और एक चीज, और एक एग्जांपल यहां पे लूंगा, अब एक्स वाई जेड सॉल्यूशन में लूंगा, जेड सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा, इसमें मैं शाबाश 1 kg सॉल्वेंट लूंगा। 1 kg सॉल्वेंट जब मैं लूंगा तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं शाबाश 29.25 ग्राम NaCl डालूंगा। अब मुझे देखना है कि क्या इन तीनों की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। जब हम देखते हैं यहाँ पे 29.25 ग्राम, 29.25 डिवाइड NaCl का जो मोलर मास है वो है 35.5 प्लस 23.0, वो कितना आएगा शाबाश 5.8, तो हम करेंगे 58.5, तो वो भी कितना आएगा 0.2। अब सवाल है, क्या ये इसके मोल्स भी बराबर है, यहाँ पे भी 0.5 मोल्स है, यहाँ पे भी, यहाँ पर मसला यहाँ पे कुछ और है। जो यूरिया है जब हम इसको पानी में डालते हैं और जो ग्लूकोज है जब हम इसको पानी में डालते हैं, इनका बिहेवियर क्या है, इनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आते हैं। सब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एज सच रह जाते हैं, इनमें ना ही एसोसिएशन होती है ना ही डिसोसिएशन होती है। मगर जो ही हम NaCl मोल्स इसमें डिजॉल्व करते हैं, बजाहिर इसमें हमने कितने, जितने आपने यहाँ पे डाले उतने मोल्स इसके भी हैं, मगर जब NaCl हम डालते हैं यहाँ पे, NaCl का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन,
यहाँ पे Na पॉजिटिव के भी 0.5 मोल्स होंगे और Cl नेगेटिव के भी 0.5 मोल्स, तो टोटल मोल्स कितने आ गए अब यहाँ पे 1। यहाँ पे बजाहिर अपने 0.5 मोल्स डाले NaCl के, मगर ओवरऑल कितने मोल्स बन गए 1, क्यों? क्योंकि NaCl की डिसोसिएशन हो गई, Na के अलग 0.5 मोल्स बन गए, Cl नेगेटिव। इस तरह हमें पता चला जो जड़ का सीपी का वैल्यू होगा वो इन दो के वैल्यू से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो ये है, इस तरह से आपको समझ आया होगा कि एक चीज हमें पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करने से पहले, हमें कोई भी कैलकुलेशन जब भी हमें कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटेड करनी होगी तो हमें वो कैलकुलेशन करने के लिए एक फैक्टर की जरूरत है जिसको वांट हाफ ने इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, वांट हाफ फैक्टर। इससे पहले हम वांट हाफ फैक्टर पढ़ेंगे, आपको और एक चीज याद रखनी है, जितने भी कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, ऑल कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है? अगर आपको दैट इज बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यू कैन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वैल्यू ऑफ अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये खसूसियत है इनकी। और एक चीज है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पे आपको याद रखना है मोलैलिटी ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट मीन ये मोलैलिटी नॉर्मलिटी पे डिपेंड नहीं है। हाँ, अब अगर नॉर्मलिटी होगी फिर उसको मोलैलिटी में हमें चेंज करना है, जो मैंने वो आपको फार्मूला बताई थी इस तरह मोलैलिटी को मोलैलिटी में चेंज कर सकते हैं, उसमें वो डेंसिटी वगैरह का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। अब जो कंडीशंस होती है, देर आर टू कंडीशंस फॉर स्टडीइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए कितनी कंडीशंस है? दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है? जो सॉल्यूशन होनी चाहिए हमारे पास शुड बी डाइल्यूट, वो क्या होनी चाहिए? डाइल्यूट, दैट मीन कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्या है? जो सॉल्यूट आप ऐड करोगे, सॉल्यूट एडेड शुड बी नॉन वोलेटाइल, वो क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल। तो ये दो कंडीशंस हैं, आपको यहाँ पे ये देखना है। अब सवाल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हमें किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हमें वांट हाफ फैक्टर निकालना पड़ता है, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर। ये वांट हाफ फैक्टर इट इज डिनोटेड बाय आई, सुमार आई। वांट हाफ फैक्टर हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि अगर आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में, इट गिव्स अस आइडिया दैट इफ वी एड
एनी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू एनी सॉल्वेंट हाउ इट इज बिहेवियर चेंजेस, इसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा। दैट मीन्स ये हमें बताता है, दैट इज इट टेक्स इंटू अकाउंट, इट मीन्स हियर वॉन्ट हापस फैक्टर, इट टेक्स इंटू अकाउंट वेदर द सल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन, डिसोसिएशन इन द सॉल्वेंट और सोल्यूशन, सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में इस सोल्यूट का क्या हो रहा है, क्या उसको एसोसिएशन हो रही है वहां, क्या उसको डिसोसिएशन, क्या सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के सबस्टेंसेस बना रहे हैं, या वो छोटे छोटे इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स में क्या तब्दील होते हैं, ये हमें कौन बताता है, वॉन्ट हॉफ फैक्टर। अगर आप इतना लिख सकते हो कि आप ऐसा भी लिख सकते हो, इट टेक्स इनटू अकाउंट, दिस फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट वेदर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स।